Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस आज की मुलाकातों से वो क्या मकासद हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। अमरीकी वजीर खारजा का दौरा, आम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? पोलियो के खिलाफ बैन लक्वामी मुहिम, तवज्जो किन पहलुओं पर दी जा रही है? We need to maintain a strong surveillance to make sure we detect every single case. और पुरसकून रहना अब क्लासरूम में भी सिखाया जा रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन आज पाकिस्तान का पहला दौरा कर रहे हैं, जिसमें आला सिविल और फौजी क्यादत से अमेरिका की अफगान पॉलिसी और उसमें पाकिस्तान के किरदार पर बात की जा रही है। सेक्रेटरी टिलरसन ने गुज़िश्ता रोज काबुल के करीब बगराम एयरबेस पर अफगान क्यादत से मुलाकात की और कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में अमन के हुसूल और उसकी राह में हायल दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों के खिलाफ अफगान हुकूमत और खित्ते के दीगर मुल्कों को मिलकर काम करना चाहता है। The president has made it clear that we're here to stay until we can secure a process of reconciliation and peace. It's not an unlimited commitment. He's also made it clear it's not a blank check commitment. इस मौके पर जारी करदा बयान में अफगान सदर ने कहा कि तमाम शराकत दारों को अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभानी होंगी। टिलरसन के पहले दौरे के बारे में आम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आज दिन तक अमरीका ने जो भी इकदाम किए हैं वो अपने मफाद में किए हैं, उसमें मुझे पाकिस्तान का मफाद नज़र नहीं आया। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तालुकात अच्छे होने चाहिए, दोनों जमहूरी मुल्क हैं, तालुकात दोनों के अच्छे होने चाहिए, लेकिन अमेरिका में जो ट्रंप हैं, सदर ट्रंप, उनके बयानात गलत होते हैं। हम इस चीज़ का भी पैगाम देते हैं अमेरिका को, स्पेशल उनके जो अर्जा जहाँ तशरीफ फरमाएँ कि पाकिस्तान भी एक प्रम मुल्क है। जब आपको हमारे से कोई मतलब होता है या कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारी तरफ दौड़ते हैं, जब मतलब अमेरिका वालों का निकल जाता है तो फिर वो इंडिया की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। 9/11 के बाद सेक्रेटरी टिलरसन वो पांचवें अमेरिकी वजीर खारजा हैं जो अफगानिस्तान में अमन के हुसूल की कोशिशों में पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। माजी के मुकाबले में वो क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान तजियाकार विलियम गुडफेलो से, जो सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के बानी हैं। मिस्टर गुडफेलो, वेलकम टू व्यू 360। दिस इज द administration that's handling the Afghan crisis. What can Secretary Tillerson say to Pakistan today that's different from what other secretaries of state have said in the past? What can you do new? It's very hard to Pakistan has its own reason for the Taliban, but I am happy to see the Secretary of State in Afghanistan and today in Pakistan. The problem is that the war has been run by the military, and everyone, including Tillerson, says that there only a negotiated settlement will end the fighting, that there's no way that the U.S. and the Ghani government can have a military victory. However, we don't have an ambassador. We haven't had an ambassador there since December, and Tillerson's influence in Washington is somewhat limited. Essentially a military government, and the military is running the war. And but having said that, Pakistan is the key, and I still believe that Pakistan and the United States and the Ghani government and the Taliban and other regional players could agree to a settlement, but Pakistan is the key. If Pakistan doesn't sign on, there's no settlement, and Pakistan is going to make sure its interests are represented. That's the Taliban. So, पाकिस्तान की प्लेयर है इन मुज़ाकरात में, और ख़ास तौर पर इस मसले के को जिसमें मुज़ाकरात का अमल शामिल हो। और विलियम गुडफेलो का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली एक तो काबुल में कोई एम्बेसडर नहीं है, कोई सफीर नहीं है अब तक, वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात है कि टिलरसन का इनकी नज़र में वाशिंगटन में जो इन्फ्लुएंस है वो महदूद है, और उसके अलावा जो पॉलिसी इस वक्त अफगानिस्तान के लिए है उसमें मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो मुज़ाकरात की मेज़ पर सबको हिलाना होगा, और उसमें पाकिस्तान की है। यू सेड दैट पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन रीजंस फॉर सपोर्टिंग द तालिबान। पाकिस्तान डिनाइज एनी एलिगेशन ऑफ दिस सॉर्ट, इट सेज इट डज नॉट हैव एनी for terrorists in Pakistan right now. So how do we get past this? Washington thinks there are terror safe havens, Pakistan says no there aren't. How do you get past this argument and actually get something done? Well, I think in fact there are safe havens, and
Taliban's families, the leadership, lives in Pakistan. There's no real debating that. Mm-hmm. Having said that, Pakistan wants to make sure, I mean, one of the reasons Pakistan is there is because of its competition with India, who backs the so-called Northern Alliance. Trump, I don't think, helped things when he said, well, we want India to play a larger role. That's not very reassuring to Pakistan, for sure. But I still believe that the regional powers all agree on one thing. They want U.S. troops and U.S. bases out of Afghanistan. And that is one of only two demands that the Taliban have. They want U.S. all foreign troops and bases out. And they want an Islamic government. Those are their only two demands. And that's everybody in the region wants the U.S. troops out. And U.S. troops are there not just because of Afghanistan, mm-hmm. but because of Iran and because of Pakistan. So a goal, which both sides have, के लिए जो मुश्तरक है तमाम तर जो रीजनल पावर्स हैं उनके लिए भी और तालिबान के लिए भी वो ये है कि अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन जो फौजी हैं वो अब उस खत्ते से वापस बाहर निकल जाएं लेकिन ये है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत सपोर्ट करने का और उसको एक बड़ा रोल देने का जो ट्रंप इंतजामिया का फैसला है विलियम गुडफेलो की नज़र में वो इस पूरे सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है पाकिस्तानीज वी हर्ड इन दीज ओपिनियन साउंड बाइट्स फ्रॉम पीपल ऑन द ग्राउंड एज वेल पाकिस्तानीज टेंड टू बिलीव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस इज वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन टेम्पररी गोल्स एंड बेनिफिट्स दैट द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन Dive. Now, America is also one of Pakistan's biggest trade partners. It has invested millions of dollars in social development projects and sent a lot of aid through Pakistan's natural disasters. How can this perception be changed that this relationship is more than just a transaction? Well, it's not a perception, it's a reality. The United States is an unreliable ally, and I think has become more so. And I think that Pakistan needs to be reassured. The United States provides a lot of aid, economic aid and military aid. But the United States initially had tilted towards Pakistan in the old days. We were allies at one point. But the United States, when it needs Pakistan, it's a very good ally. When it doesn't need Pakistan, it leaves. So the United States has not been a very reliable ally. So how can that be changed? That's a good question. I think war. You know, the war in Afghanistan has to end. That's a key thing. And of course, there's Kashmir is another key. Those are the two irritants in the relationship. Mm-hmm. So I do want to ask you one more question, but I want to just go ahead and let our viewers know what you have covered so far. William Goodfellow bhi is baat se muttafiq hain. Bahut se Pakistaniyon ki tarah ki America ne ek qabil-e-itmaad saathi bankar Pakistan ka nahi dikhaya. Jab zarurat padi, to Pakistan ke saath milkar kaam kiya aur jab apna maqsad hasil ho gaya. तो फिर पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया ये कैसे बदला जा सकता है हाल में सिर्फ तभी बदलेगा जब अफगानिस्तान की जंग खत्म होगी यू हैव वर्क्ड अ लॉट इन अफगानिस्तान फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हाट डू यू थिंक नीड्स टू बी डन वन और टू स्टेप्स दैट हैव टू बी टेकन टू गेट दिस वॉर टू एंड टू स्टेप्स वन इज अ रीजनल एग्रीमेंट ऑल द पावर्स हैव टू एसेंशियली guarantee the neutrality of Afghanistan. They have to stop funding these various groups. And of course, the U.S. likes to think of ourselves as, you know, above the fray, but we're very much part of it. And the other thing is the Afghans have to find a way to reintegrate the Taliban into Afghan society. Afghanistan is shattered at this point. And I was talking with a friend from the UN who worries that it may not be possible to put it back together. You've got India supporting and Russia supporting the Northern Alliance. You've got Pakistan supporting the Pashtuns. It's going to be a real challenge putting the country back together. To actually get this to work. Thank you very much, sir. As always, a pleasure having you on View 360. और यहाँ आपको बताते चलें कि विलियम गुडफेलो का यही कहना है कि अफगानिस्तान में जंग खत्म करने के लिए दो बड़े स्टेप्स हैं जो लेने होंगे खत्ते की ताकतें हैं वो मिलकर इस मौदे पे पहुंचे कि न्यूट्रलाइज किया जाए इस इशू को और वहां पे एक हुकूमत ऐसी कायम की जाए जो कि न्यूट्रलाइज करे इस सारी सिचुएशन को और दूसरा यह है कि तालिबान को सोसाइटी का हिस्सा बनाया जाए उनको वो स्पेस दी जाए वहां पे जो कि किसी को भी सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी है ताकि फिर सिचुएशन को आगे मजीद अम की तरफ ले जाया जा सके ये थी हमारी आज की अफगान पाकिस्तान हवाले से और खासतौर पर सेक्रेटरी टिलरसन के पाकिस्तान के दौरे के हवाले
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज से 10 रोज कबल सोमालिया के दारुलहुकूमत मोगदीशु में दहशतगर्द हमलों में जो 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए उनमें वॉइस ऑफ अमेरिका के कैमरामैन अली नूर सियाद भी शामिल थे। उनके साथी सहाफी अब्दुल कादिर मोहम्मद अब्दुल्ले इस वाकये में बुरी तरह जख्मी हुए और इस वक्त वो तुर्की में जेर इलाज हैं। वो उन जख्मियों में से एक हैं जिन्हें तुर्क फौज ने बजरिया हवाई जहाज अंकरा रवाना किया। अब्दुल्ला ने अस्पताल से हमारी तुर्क सर्विस की सहाफी से बात की है। मैं उस वक्त अपने दफ्तर में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। जब कई घंटों के बाद मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मैं तुर्की की हुकूमत और लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इनकी कोशिश है कि वो सोमाली अवाम के साथ खड़े हों। सोमालिया में अपने हमवतनों के लिए पैगाम ये है कि सोमालिया के अलावा हमारा और कोई मुल्क नहीं, तो ये जरूरी है कि हम सब मिलकर खड़े हों। उस रोज के हमले में 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सोमालिया में दहशतगर्द तंजीम अलशबाब एक अरसे से सरगर्म है और सोमाली सदर ने उसके खिलाफ कोशिशें मजीद तेज करने का वादा किया है। और दुनिया भर से अहम खबरें पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपकी दिलचस्पी के बहुत से मुख्तलिफ मौजूदात पर फीचर्स और वीडियो रिपोर्ट्स भी मौजूद होती हैं। और पढ़ाई की टेंशन में कॉलेज स्टूडेंट्स किस तरह रहते हैं ये भी आप देख सकेंगे हमारे आज के एजुकेशन सेगमेंट में। और हम आपको दिल्ली के उर्दू बाजार भी लेके जाएंगे आज, लेकिन पहले देखते हैं दुनिया के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों से पिछले कुछ घंटों के दौरान मिलने वाली अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। ने दावा किया है कि दीरुज़ोर में अमेरिका और उसकी इत्तेहाद के फजाई हमले में 14 शहरी हलाक और 32 जख्मी हो गए हैं। इत्तेहादी फौज के तर्जमान ने इन इल्जामात की तर्दीद करते हुए कहा है कि इत्तेहादी फौज ने हालिया हफ्तों में ऐसा कोई हमला नहीं किया। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के 5 साल इजलास के ने मौजूदा सदर शी जिनपिंग के सियासी नजरियात को पार्टी आइन का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है। इस इकदाम के बाद सदर शी जिनपिंग का शुमार जदीद चीन के सबसे ताकतवर रहनुमाओं में से हो गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि शाम के शहर इदलिब में तुर्क फौज की जानिब से किया जाने वाला ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब्रतेहाल अब भी परेशान कुन है जो मुल्क के लिए खतरा है। ब्राजील में 245 अफराद ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक पुल से एक साथ बंजी जंपिंग का मुजाहरा किया। गुज़श्ता साल 149 अफराद के ग्रुप ने इसी पुल से छलांग लगाकर बंजी जंपिंग की थी। आज दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मरज के खात्मे की कोशिशें आज किस मकाम पर हैं? ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं सहर माजिद। जी सहर। सारा, आज से तकरीबन 30 साल पहले तक 1000 बच्चे रोजाना पोलियो वायरस से मुतासिर होकर माजूरी का शिकार हुआ करते थे। इस साल अब तक सिर्फ 12 बच्चे ही इस बीमारी का शिकार हुए हैं। उनमें पाकिस्तान में 5 और अफगानिस्तान में 7 केसेस सामने आए। पोलियो के खिलाफ बैन अलावी मुहिम की कामयाबी के बावजूद माहरीन का कहना है कि मुस्तकिल कोशिशों की जरूरत है, लेकिन और मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क ऐसे हैं जहां इस साल बच्चे पोलियो का शिकार हुए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बैन अल-अक़वामी फलाही इदारे रोटरी इंटरनेशनल के मुताबिक इस बीमारी की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की गई हैं। सैकड़ों और हजारों की तादाद में हेल्थ वर्कर्स शहरी आबादियों दूर दराज इलाकों पर रोजाना बच्चों को हिफाजती दवा दे रहे हैं। रोटरी इंटरनेशनल पहला इदारा है जिसने आलमी सतह पर पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू की। हालांकि एक वक्त था जब कुछ मुल्कों में पोलियो वर्कर्स की जान को भी खतरा था, लेकिन केरल के मुताबिक अब इन हालात पर काबू पा लिया गया है। जिस चीज को हमने इंतहा मौसर पाया वो मुतालिका कम्युनिटी से ही वर्कर्स का इंतखाब था, ताकि वो कम्युनिटीज के खानदानों से राबता करें। अपने वर्कर्स पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इस मुहिम के लिए काम करने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करने का मसला अब काफी हद तक हल हो गया है। इस मुहिम का मकसद है इस बीमारी का खात्मा करना और कम से कम 3 साल तक इस सतह को बरकरार रखना। हमें कड़ी निगरानी करने की जरूरत है ताकि हम पोलियो के हर केस पर नजर रख सकें और इससे बचाव के लिए जरूरी इकदाम कर सकें। मुस्तकिल निगरानी इस बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए अहम है। पोलियो को जड़ से खत्म करना इस कैंपेन का मुश्किल तरीन काम है। हुकूमतों और फलाही इदारों को इस मुहिम में अपना किरदार अदा करना है, क्योंकि इसके बगैर हम इस वायरस से नहीं रोक सकते। यही वजह है कि इस साल वर्ल्ड पोलियो डे का मौजू है वी आर नॉट डन येट।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा नाइजीरिया वो वाहिद मुल्क है जहां से पोलियो का मुकाबला अभी नहीं हुआ, लेकिन इस साल अब तक वहां से कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया। जी सारा, पोलियो एक लाइलाज मर्ज है और इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर ही सिर्फ उम्र भर की माजूरी से बचा सकती हैं। थैंक यू सर। और में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदा मोहम्मद असाई अर्दगानी का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन बहुत जरूरी है। Definitely cooperation between these two countries with a large border and long border that they have is very much important. Pakistan se Afghanistan aur Afghanistan se Pakistan sarhad ke aar paar safar karne wali abadi aur khas taur se sarhadi ilake mein maujood पहुँचना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसीलिए एक बहुत तवील सरहद शेयर करने वाले इन दोनों पड़ोसी ममालिक के माबेन तआवुन इंतहाई जरूरी है। हम बाकायदगी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन मीटिंग्स का एहतमाम करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंसदाद पोलियो के हवाले से अपनी तजुर्बात को शेयर करें। सरहदी इलाके में इम्यूनाइजेशन टीम्स और कैंप कायम किए जा सके, ताहम बड़े पैमाने पर सरहद पार नकल व हरकत के बायस इस काम को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखना इंतहाई जरूरी है। 2014 Pakistan had 306 positive cases. 2014 में पाकिस्तान में पोलियो के 306 केसेस सामने आए। इस साल अब तक सिर्फ 5 केसेस सामने आए हैं। इस कामयाबी में कई अवामिल ने किरदार अदा किया है, इनमें से अहम हुकूमत की हर सतह पर पॉलिटिकल कमिटमेंट है। मोहम्मद अर्दकानी के मुताबिक पोलियो केसेस में कमी लाने में डोनर्स और अक्वामी मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस तआवुन के उनके मुताबिक एक शक्ल है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो कि पाकिस्तान के हर सूबे में काम कर रहे हैं। और अब चलते हैं पेशावर। हिंदू शहर में मौजूद अपने तारीखी मंदिरों की बहाली के लिए कोशा है। ये मंदिर एक अरसे से बंद पड़े हैं और हिंदू बिरादरी को इनकी मिल्कियत हासिल करने में कई मुश्किल का सामना है। इस बारे में देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। पिशावर में तीन किस्म की हिंदू कम्युनिटीज आबाद हैं, जिनमें दरगाह पीर रतननाथ, सर बाल्मीक सभा और राजपूत शामिल हैं, जबकि तीनों कम्युनिटीज की मुश्तरक आबादी 8000 के लगभग है। अनिल कुमार का कहना है कि उनके तीन तारीखी मंदिर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बंद पड़े हैं और इन मंदिरों को खुलवाने के लिए की जाने वाली तमाम तर कोशिशें लाहासिल साबित हुई हैं। और हम लोगों के पास कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कालाबाड़ी में बाल्मीक सभा का मंदिर है वो यूज़ करते हैं। वो लोग हम लोगों को मतलब कोई भी ऐसी मजहबी त्यौहार हो या कुछ भी ऐसा हमने करना हो तो हम वहाँ जाके करते हैं। नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स के रुकन हारून सरबदयाल का कहना है कि हिंदुओं के अक्सर तारीखी मकामात को सैर व तफरीह की जगहों में तब्दील कर दिया गया है, जिनसे हमारे जज्बात मजरूह हो रहे हैं। अभी चाचा यूनस पार्क को देख लें, ये हमारे 5 तीर्थ हैं, यानी 5 तीर्थ हमारे 5 यात्राएं या 5 जमात हमारे ये हैं, जो एक पार्क बना दिया गया और उसके साथ अगर छोटी सी एक जगह बची भी है तो वो भी हमारी एक्सेस वहाँ नहीं है। अगर आप आबे जमजम की तरह हमारे लिए जो होली हैसियत रखता है, तो वर्षक रोड पर गोरखी थी जो अब खुशहाल पार्क के नाम से वहाँ पर जो है ना वो स्विमिंग पूल बना दिया गया है, टिकट उस पर लिए जाते हैं। हारून के मुताबिक पेशावर में आज़ादी से कबल बेशुमार मंदिर हुआ करते थे। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के मजहबी मकामात की देख करने के जिम्मेदार इदारे विफाकी महकमे औकाफ के पास इन मंदिरों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, जहाँ तक जो हमारे रिकॉर्ड में है, जो हम जिसको मेंटेन करते हैं वो तो हमें पता है, और जहाँ पे जान दी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेटलमेंट में लोगों ने पीटीडीज बना ली, उसके लिए मैंने अभी एक कि जो जगह मुझे पता है कि ये प्रॉपर टाइटल क्लियर है, कोई इशू नहीं है, मंदिर गौशाला इन चीजों की पीटीडी ना तो ये ऑप्शन में मिल सकती है ना ये क्लेम में मिल सकती है, तो इनकी पीटीडी नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। हारून सरबदयाल का कहना है कि मुख्तलिफ महकमों को लीज पर दी गई हिंदुओं की मुकद्दरी महकमे औकाफ के लिए आमदन का एक अहम जरिया है। ये न सिर्फ बैनुल अक्वामी जो उन ट्रीटीज की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने UDHR में, ICCPR में, दूसरे कॉन्वेंट्स में, ये उसकी खिलाफ खुली खिलाफ वर्जी है कि हमारी इबादत गाहें बजाय इसके कि हमें इबादत के लिए दी जाए उसका हम मसरफ करें किसी और पर्पस के नाम पर जो वो मिस यूज की गई है। मंदिरों के साथ मुंसलिक जमीन को कमाई के लिए इस्तेमाल करने के मामले पर मतरूका वक्फ अमला के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है कि इनसे हासिल होने वाला पैसा अकलियती बरादरी के मजहबी मकामात की बहाली और
और रसूमात पर खर्च किया जाता है। यह मंदिर हिंदुओं की जाए इबादत ही नहीं बल्कि कदीम पेशावर का तारीखी विरसा है, जिसकी हिफाजत और देखभाल में हिंदुओं को शामिल करके इनको बराबरी और मलकियत का एहसास दिलाया जा सकता है, क्योंकि यही असल वारिस हैं। उमर फारूक, उर्दू वीओए, पेशावर। वक्त हो रहा है हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट का। अगरचे तालिब इल्म क्लास में जहनी तौर पर गैर हाजिर नहीं रह सकते, लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मॉन्ट में रिलैक्स करना कोर्स का, आइए इस बारे में मजीद जानते हैं। मुराकबा, योगा, फुटबॉल, ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मॉन्ट की अच्छी सेहत के लिए वेलनेस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है और तालिब क्रेडिट भी मिलता है। इस प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर जेम्स हुसैक के मुताबिक इसकी मदद से क्लासरूम के अंदर और बाहर एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी की हौसला अफजाई होती है। हमने उन्हें कहा कि कैसा होगा अगर हम आपको योगा, तवज्जो से भरपूर और नाकाबिले यकीन गजाइत और फिटनेस मुहैया करें, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। अब मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आया उन्हें मौसर होने पर यकीन था या नहीं, लेकिन ये कामयाब रहा। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता साल 120 नए आने वाले तालिबिल्मों के साथ शुरू हुआ। इस सेमेस्टर में इसमें तकरीबन 4 गुना इजाफा हो चुका है। तालिबिल्म शराब और ड्रग से पाक कमरों में रहते हैं और खिलाफ वर्जी करने वाले निकाल दिए जाते हैं। इसे सिले की तरगीब देकर रवैये में तब्दीली लाना कहा जाता है। की तरगीब देते हैं, हकीकत में रवैये में मस्बत तब्दीली के लिए आपको अदायगी की जाती है। इन मराहत में जिम का मुफ्त दाखिला, गजाइत और फिटनेस के लिए कोचेज और एक ऐसी ऐप शामिल है जो आपकी सरगर्मियों का है। अगर आप कम से कम 40 बार जिम जाते हैं तो आपके लिए जिम की मुफ्त सहूलत यही मौजूद है। सेहत को फरोग देने वाली सरगर्मियां और क्लासेस ऐसे हुनर सिखाती हैं जो तालबिल्मों के लिए उनके ग्रेजुएशन के बाद भी फायदा मंद साबित हो सकती है। फिर लैपिडोस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू वीओए। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान, एजुकेशन या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर येट। लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। और जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक दिलेर दादी। आला अमरीकी आयला कैंपल ने अपनी सालगिरह मनाई स्काई डाइविंग करके। आयला कहती हैं कि जिंदगी का क्या भरोसा, जो करना है आज ही कर डालो। उन्हें 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाने का इतना मजा आया कि वो ये दोबारा करने के लिए तैयार है। इस मौके पर आयला के साथ उनकी पोती और पड़पोती भी मौजूद थी और आयला की ये जो मेमोरेबल बर्ड ग्रेशन थी, ये इस वक्त इंटरनेट पर भी बहुत शेयर की जा रही है और लोग बहुत बहुत इंप्रेस्ड हूँ। आपने अगर कोई इस किस्म की इंटरेस्टिंग या रिस्की किस्म की बर्थडे सेलिब्रेशन कभी की है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये था आज का व्यू 360। आपके फीडबैक और आपके आइडियाज का हमें इंतजार रहता है। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/voaurdu, और आप ट्विटर के जरिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। अब सारा जमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।